लाइव अपडेट 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर चंदन रॉय सान्याल के साथ। जी हां, आइलैंड सिटी, इनकी मूवी आइलैंड सिटी 2 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तो चंदन दा हमारे साथ इस वक्त उनके साथ बातें हो जाए। चंदन दा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। थैंक यू। सबसे पहले आपको और पूरी टीम को, आइलैंड सिटी मूवी की टीम को बधाई देना चाहूंगा। बहुत इंतजार करना पड़ा लेकिन 2 सितंबर को रिलीज होने वाली है आइलैंड सिटी। रिलीज के पहले ही बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है, कुछ कहना चाहेंगे सर इस मूवी में आपके किरदार के बारे में? सर एक्चुअली फिल्म में 3 कहानियां हैं। तो तीसरी कहानी है, उस कहानी का नाम है कॉन्टैक्ट। तो एक लघु प्रेम कथा है, उसमें तनिष्क चटर्जी हैं और मैं हूँ तनिष्क चटर्जी के ऑपोजिट। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी और एक बहुत ही छोटे लोअर मिडिल क्लास तब की कहानी है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप कह लें कि छोटे छोटे जो शैंटीज होते हैं, जो आपके बम्बई के एकदम निचतर एकदम धारावी किस्म में जहाँ पे जो लोग रहते हैं, उस उनकी भी 3 अलग अलग क्लासेस की कहानी है। तो ये एकदम लोअर मिडिल क्लास की कहानी है। क्या बात है चंदन, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे अवार्ड से मूवी रिलीज होने के पहले ही जीत चुकी है, कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो फिल्में बन रही हैं, विशेषकर एनएफडीसी की फिल्में जो हैं, तो वो दुनिया में काफ़ी जय पराजय हो रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का बिगुल बज रहा है मतलब दुनिया में। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट। लास्ट ईयर मैं भी वेनिस गया था रुचिका के साथ, तो जब हम उनको अब बेस्ट एबी डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे इतने बहुत बड़े और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सीरियस फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे जीतना ही बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि अब दुनिया में सब देख चुके हैं, हमारे देश में एकदम आपकी फिल्म दिखाया जाता है। जाते अरे जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त कोलकाता शहर में, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? दो लाइन बांग्ला तो भेजिए। हम यही बोलो जी, क्या मिल यही पोस्टी कोलकाता के फिलहाल तो बेस वेदर फेदर भालो ही आते डिस्ट्रिक चलते रेडियो खड़ी सुन चलाम वो टैक्सी से घूरते घूरते। तो मैंने देखो 2 तारीखे रिलीज हो आए छवि और कोलकाता तो सब समय जखनी जाए हमें लोक एकदम खूब आदर दे जत्न दे। तो आर एक बार अपील करछि जे एबार आरेकटा छवि आछे आइलैंड सिटी देखबेन। দুটো বাঙালি অনুষ্ঠান আমি ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ চন্দন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। অল দি বেস্ট এন্ড ইউ আর দি বেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। বেলিয়ে তে মাই সার নন আদার দ্যান অ্যাক্টর চন্দন রয় সান্যাল জিনকে সাথে আমারি বাতে হো রহি থি 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম পে। শুনতে রাহো সাথ রাহো ফ্রেন্ডস এফএম।